नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने बढ़ते अपराध पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि बढ़ते जनसंख्या और बढ़ते बेरोजगारी के कारण बिहार में और पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनता अपने हाथ में कानून न ले क्योंकि यहां लोकतंत्र है। पर जो है सबसे बड़ी जनसंख्या विस्फोट हो गया है और आदमी बेरोजगार है, काम नहीं मिलता है और दारू जो बंद हुआ है, लेकिन दारू एक्चुअल में बंद नहीं हुआ है, उससे ज्यादा और नशा करते हैं, जगह जगह से इंजेक्शन लेते हैं जिससे नशा बढ़ जाता है और इसके मद्देनजर ये लोग अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक लाने की जरूरत है, जो अपराधी पकड़े जाते हैं उसमें फास्ट ट्रैक एक कानून ला करके जल्दी से जल्दी उसको दोषी ठहराया जाए, तभी एक रुक सकता है। पब्लिक जो मांग करती है उसको चौराहे पर गोली मार दिया जाए या जगह जगह और फांसी दे दिया जाए, लेकिन हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाते हुए फास्ट ट्रैक लाने की जरूरत है और जल्द से जल्द सुनवाई कर दोषी को सजा देना चाहिए। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के 15 पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिकतर पुराने चेहरे विजय हुए, जिसमें 2 से 3 ही अध्यक्ष पद पर नए चेहरे विजय हुए हैं। वहीं कुल 21 पैक्सों में 6 सदस्य पद पर निर्विरोध परिणाम घोषित किया गया। भारी मतों से मुझे विजयी बनाया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ समस्त पंचायत वासियों का। कितने वोट डिलीट किया है? टोटल कुल मत हमें 429 मिला है और प्रतिद्वंदी को 212 मिला है। तो गया वही हुआ ना सियासी बधाई किसको देना, जनता वोट दिया, जनता की बधाई होगी। जनता वोट देकर जिताया 187 वोट से, लेकिन साजिश के तहत प्रशासन ने 111 वोट मेरा रद्द कर दिया, उसके बाद भी हम 87 वोट से जीते हैं। बस 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 एक मिनट 2009 से 2019 तक अध्यक्ष फिर उन लोगों ने चुना, हमारा उन लोगों के साथ कार्यकाल और व्यवहार अच्छा लगा, इसलिए फिर से हमको लोग चुना। पहले तो निर्विरोध ही हम जीतते थे, इस बार कोई खड़ा होते पर भी जनता नकारा नहीं, जो प्रतिद्वंदी को 100 वोट मात्र मिला तभी लोग हमको वोट दिए। राजीव पैक्स के अध्यक्ष जी जो चले अपने कार्यकाल में सभी किसान सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया और पैक्स से जो अधिकार है इस पद का जो दायित्व है बाखूबी निभाए, इसलिए जनता ने जीत दी। जमुई सिकंदरा में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल और कैप के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है, इससे धर्म के आधार पर नागरिकता को विभाजित करने की मंशा स्पष्ट होती है। इस मौके पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। हमारा ही देश को बर्बाद कर दिया ये, जब से आया ये साला देश नाबूद कर दिया, न कुछ खाने का पिया न कुछ जीने का मिला, जहाँ भी मिला तो बर्बादी मिला। NRC हम लोगों के खिलाफ है, हम मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं और जो नागरिकता बिल लाया जा रहा है ये भी हम सबके खिलाफ है, इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कानून जो बनाया जा रहा है इसका हम विरोध करते हैं। मोदी सरकार और भाजपा सरकार को बाहर के हिंदू का इतना फिकिर है, इनको हिंदुस्तान का बिहार यूपी का हिंदुस्तान का हिंदू मार खा रहा था गुजरात में, उस पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। इनको बाहर के हिंदू का कितना हित है और घर के हिंदू का कोई फर्क नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए ये सरकार बिल्कुल टोटल फॉल्स है, ये सरकार बेरोजगारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, इसके लिए ये तमाशा बना रही हिंदू मुस्लिम, इसीलिए बोलेंगे कि ये सरकार का ये कानून हिंदुस्तान में हम न माने हैं न माने। ये भी कानून ऐसा है कि एक स्पेशल रिलीजियस को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद ये NRC लाने वाले हैं। ये NRC ये CAG कानून बना है, ये NRC को कवरअप कर, CAG जो है कवरअप कर रहा है NRC को, क्योंकि बाद में जब NRC होगा तो कितने सारे लोग बेघर होंगे, तो सिर्फ उसमें एक स्पेशल लोगों को एक स्पेशल जो रिलीजियस है उसको बाहर कर दिया गया। 6 रिलीजन लोग आ रहे हैं, 6 रिलीजन लोग उसमें आ रहे हैं, तो CAG की जब NRC से वो बाहर होंगे तो CAG के हिसाब से वो इंडियन सिटीजनशिप ले लेंगे।
औरंगाबाद जिले में स्नातक छात्र की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर छात्र समूह ने शहर की दुकानों को बंद कराकर रमेश चौक पर पूरी तरह से आवागमन को जाम कर हंगामा करने लगे। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज जानबूझ करके पब्लिक को परेशान करने के नियत से इन लोगों के द्वारा यहाँ जाम किया गया था और लगातार यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, व्यापारी हैं, लगातार उन लोगों का फोन एसपी साहब के पास में आ रहा था। तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है इस प्रकार से रोड जाम करना। ये आकर के हम लोगों ने यहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्ती से यहाँ जाम को हटा दिया है और कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं जिन पर FIR हो रहा है और जेल भी भेजे जाएंगे। और इस प्रकार की एकदम बिल्कुल जिससे कि पब्लिक को यहाँ परेशानी हो रही है, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमिशन बोला गया वहाँ से कि परमिशन पहले लेते तो आगे तक जा सकते थे, लेकिन एक कोई पदाधिकारी थे वो बोले कि से परमिशन भी लेने के बाद आप लोग यहीं पे कैंडल मार्च कीजिए। तो हम लोग यहीं शांतिपूर्वक कैंडल मार्च किए क्योंकि विद्यार्थी का था, तो हम लोग समझदारी समझ सकते हैं कि कैसा था। तो यहीं पे हम लोग कैंडल मार्च किए उनकी आत्मा के शांति के लिए। सतीश कुमार बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मेहमदपुर की है। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी देवराज अकेला सब परिवार एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए उलाव गए हुए थे और चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए घर के मुख्य द्वार के ताले को तोड़कर घर में रखे 2.5 लाख के जेवरात, 80,000 नगद सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। शाम 7 बजे जो है सर घर कहीं नौता फोड़ने के लिए चले गए थे, जिस कारण रात को इस घर में चोरी हुआ। जिसमें 4 ताला तोड़ करके गोदरेज वगैरह सब तोड़ तार के कपड़ा लत्ता 3.5 लाख रुपए के जेवरात और 80-90 हज़ार रुपये चोरी हो गया। उसके बाद LED TV कंप्यूटर मोटर ये सारा चीज़ चोरी करके और घर का पूरा क्षति, पूरा हर सामान का क्षति करके क्षति कर दिया गया। और कपड़ा लत्ता जितना भी बहुत कॉस्टली वगैरह था, बर्तन वगैरह भी कॉस्टली जितना था, सारा सामान लेके चला गया। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली को लेकर संभावित यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर पिछले कई दिनों से कई जगहों पर स्थल निरीक्षण DM के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के आगमन की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तो उसी क्रम में हर जिला में जहाँ पे जल जीवन हरियाली अभियान के जो 11 कंपोनेंट है, जिसमें कि वृक्षारोपण है, तालाब का जीर्णोद्धार है और हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग घरों में और सरकारी में बनाया जा रहा है, स्वच्छता का निर्माण किया जा रहा है और सिंचाई में भी पानी की बचत करने के लिए ड्रिप इरीगेशन इन सब का प्रयोग को किया जा रहा है। तो जागरूकता अभियान जो है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कराया जा रहा है और सरकारी विभागों के द्वारा बहुत सारे काम भी कराए जा रहे हैं। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग सातपुर पंचायत में आज जगह भ्रमण किया गया। जब भी माननीय मुख्यमंत्री की जो यात्रा यहाँ पे संभावित है जब भी होगी तो हम लोग ये जगह देखने आए थे। वहाँ पे तालाब का निरीक्षण किया गया और जिसका जीर्णोद्धार प्रारंभ किया जाएगा, वृक्षारोपण विभाग कराया जाएगा। तो साथ ही साथ वहाँ पे कुआं भी था जिसका भी जीर्णोद्धार का उसके लिए योजना का चयन उसके लिए हुआ है। अरवल कुर्था में पैक्स चुनाव के लिए किए जा रहे मतगणना संपन्न हो गई, जिसमें पैक्स अध्यक्ष से लेकर प्रबंध कारिणी सदस्य का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। बता दें कि पैक्स चुनाव के रिजल्ट में पुराने पैक्स अध्यक्षों का दबदबा कायम रहा, जबकि 1 से 2 पंचायत ही नए चेहरे के रूप में सामने आए। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के विशनपुर गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा निकालकर किया गया। कथा स्थल में संतों के मंत्रोच्चार के बीच 251 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाला। दिसंबर को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुर्था में आगमन है, जिसको लेकर अरवल जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी और स्थानीय विधायक सत्यदेव सिंह कुशवाहा ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और कर्मियों को कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड निर्माण और बैरिकेडिंग का निर्देश दिया। माइनर इरिगेशन कहां गए?
सबको पेंट कर दीजिएगा। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में पीजी डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के मामले में सभी पीजी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उनके हड़ताल पर जाने के कारण बड़ी संख्या में अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा। पीजी डॉक्टर ने 48 घंटे के अंदर आरोपी परिजन को गिरफ्तार करने की मांग की है। मालूम हो कि अल्ट्रासाउंड की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद पीजी डॉक्टर के साथ कुछ परिजनों ने मारपीट किया था। अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे, बोलते हैं एस्थेटिक है से आपका हड़ताल टूटेगा, नहीं टूटेगा तब होगा अल्ट्रासाउंड। तो हम बोले कि कब होगा, तो बोले कि आप हमको क्या पता से आप आना तो बताइए। परसों एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसका रिपोर्ट मिसप्लेस हो गया, या तो वो ले लिया या उसका रिपोर्ट कोई दूसरा ले लिया या वो रिपोर्ट कहीं गिरा दिया। हम लोग तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करके वो रिपोर्ट वो रजिस्टर में अंदर में चढ़ता है और फिर किरानी के पास चला जाता है। रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो हम लोगों के साथ बदतमीजी किया, बहुत गाली दिया, इवन मारपीट भी किया। क्या इस मामले को लेकर एफआईआर भी हुआ है? हाँ, कल रिटर्न एफआईआर थ्रू सुपरिटेंडेंट बेता ओपी को गया हुआ। अभी आप कल जेडीए की मीटिंग हुई हम लोगों की, अगर सोमवार तक उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो ऑल डिपार्टमेंट शटडाउन हो जाएगा। सीतामढ़ी के रिश्वतखोर सिविल सर्जन रविंद्र कुमार पर अब निगरानी विभाग का शिकंजा कसने लगा है। निगरानी विभाग की टीम सीतामढ़ी पहुंचकर सिविल सर्जन के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में भिड़ गई है। इसको लेकर सीतामढ़ी के जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन कार्यालय में कई लोगों से पूछताछ की गई। बता दें कि सिविल सर्जन रविंद्र कुमार पर 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों उनको पकड़ा गया था। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर ने निगरानी विभाग से तबादला किए जाने के एवज में सिविल सर्जन के द्वारा रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। ये यहाँ पे सीतामढ़ी के सिविल सर्जन का ट्रैप हुआ था, रिश्वत लेते पकड़े गए थे, तो उस पे निगरानी थाना में 43/19 केस दर्ज हुआ, उसी के अनुसंधान में यहाँ आए हैं। सर कितने दिनों से अनुसंधान चल रहा है? 3 दिन तो हो गया, तीसरा दिन है। सर आगे भी अनुसंधान पूरा हो गया कि आगे? नहीं, आगे भी चलेगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।